दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप ब्रिटिश कोड या इंडियन कोड आप पढ़ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू आपका डिटेलिंग का है, तो डिटेलिंग के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने चाहिए, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा। ये काफी लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग में बना रहा हूं, तो आप समझिएगा आपकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर रहा हूं, आपको ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू अगर डिटेलिंग का है, डिजाइनिंग का मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, ड्राफ्टिंग का भी मैंने बताया हुआ है, बट अगर डिटेलिंग का है तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर वो एमएनसी है और एमएनसी में भी अगर वो यूएस या ब्रिटिश कोड यूज कर रही है, मैक्सिमम लोग इंडिया में जो भी काम कर रहे हैं वो ब्रिटिश कोड से कर रहे हैं, मीन्स ब्रिटिश कोड से अगर वो डिटेलिंग कर रहे हैं तो कौन सा कोड लगेगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे उस कोड से पूछेंगे उसके आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ब्रिटिश कोड के पे ही डिस्कस करूंगा और लोगों को पता भी नहीं रहता है कि एनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे। तो पहले तो कोड का नेम, कोड का नेम क्या होता है, 8666 2005 ब्रिटिश BS 8666 2005, इसको एकदम गांठ बांध लो, ये तो याद ही करना है। उसके बाद अब ये तो हुआ ब्रिटिश, अगर इंडियन कोड है तो इंडियन में कौन सा लगेगा, SP34, क्या लगेगा, SP34। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें पढ़ना क्या है सर, मींस ये तो आपने कोड बना लिया कि कोड का नाम हो गया, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा फोकस वाली चीज है, जो फोकस करना है सबसे ज्यादा, वो फोकस करना है आपको सबसे पहले सेफ कोड पे। सेफ कोड क्या होता है, सेफ कोड के नंबर्स होते हैं जैसे कि 00 01 13, इस तरीके से डिफरेंट देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन कोड दिख रहे हैं, सेफ कोड्स दिख रहे हैं, ये सेफ कोड आपको रटे होने चाहिए। आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला रटू क्या, नहीं फॉर्मूला नहीं रटना है, सिर्फ आपको नंबर मिले तो आप ड्रॉ कर सको। जैसे कि आपका सेफ कोड है 13, तो क्या है उसमें सेमी सर्किल बनता है, क्या बनता है, सेमी सर्किल बनता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसमें सेमी सर्किल बनता है। 00 क्या है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन जाती है। ये सेफ कोड पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो मैं आपको 110% बोल सकता हूं फिक्स है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन होता है जो बीएस कोड होता है, चाहे SP34 हो, बीएस कोड में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है फायर रेजिस्टेंस के बारे में। क्यों, क्योंकि फायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीएस कोड में, सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस, हर एक कोई भी आप फैक्टर करो उसमें फायर रेजिस्टेंस चेक ही करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा फायर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़, फायर रेजिस्टेंस जहां पे मिले आपको उसके बारे में डीप स्टडी करना। तीसरा, जैसे हम लोग क्यूब का टेस्ट करते हैं, कंक्रीट क्यूब का टेस्ट करते हैं, तो क्यूब का साइज क्या होता है, 150 बाय 150 बाय 150 mm। इसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिलेंडर से चेक करते हैं, वो लोग जो ब्लॉक बनाते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक होता है, इसलिए जैसे हम लोग क्या बोलते हैं M20, तो M20 को वो लोग बोलते हैं C15। अगर हमने बोला M25 तो वो बोलते हैं उसी मिक्स प्रोपोर्शन को वो लोग क्या बोलते हैं C20, उनका 5 कम होता है, मींस अगर हमारा M15 है तो उनका C15 होगा। इसके बाद आपको आना चाहिए BBS में। BBS में क्या पढ़ना चाहिए, आप सोच रहे होंगे सर BBS तो इतना बड़ा है, BBS में आपको एक छोटी छोटी चीजें पढ़नी, छोटी छोटी चीजें इन द सेंस क्रैंक लेंथ क्यों लगाना है। अब आप बीम होती है, बीम के अंदर क्रैंक लेंथ प्रोवाइड करते हो, क्रैंक लेंथ प्रोवाइड किया जाता है जो नेगेटिव मोमेंट जनरेट होता है, अगर बीम है और ये बीम के ऊपर आपने कोई लोड लगाया और लोड लगाओगे तो क्या होगा, ये जनरेट होगा ना इधर से, किसी इसको प्रेस करोगे तो ऐसे होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट जनरेट कर रहा है। जब नेगेटिव मोमेंट जनरेट कर रहा है तो क्या करना पड़ता है, आपको क्रैंक लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे क्या होता है उसको हम लोग रजिस्ट कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे, क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि स्लैब में मैक्सिमम डाया बार कितने का यूज करेंगे। अब बोलोगे सर ये क्यों, क्योंकि आप जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना हमको लेना है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा कोड है उसके में क्या बताया हुआ है, स्लैब 1/8, उससे ज्यादा का बार प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, मिनिमम डाया बार और मैक्सिमम डाया बार आपको पता होना चाहिए कितने का है। और लाइक जैसे कि 6 mm मिनिमम होता है, अभी अपने इंडिया में तो 8 mm होता है, बट बीएस में आपको मिलेगा 6 mm मिनिमम होता है, एंड आई थिंक मैक्सिमम इज 50, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैक्सिमम इज 50। तो ये आपको चेक करना है कि कितने mm के बार हम लोग यूज कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितने का। लैपिंग अगर प्रोवाइड करेंगे तो लैपिंग अगर हमको प्रोवाइड करना है तो कितने mm की लैपिंग देनी है, ये आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पे लैपिंग देना होता है,
कॉलम में लैपिंग कहां पे देना होता है, बीम में लैपिंग कहां पे देना होता है, इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। स्लैब में आप लैपिंग कहां पे प्रोवाइड करोगे, स्लैब में चेयर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों हम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दो प्रोवाइड करते हैं, दोनों साइड कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूजन में रहोगे क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं रहोगे। अगर स्लैब के अंदर एक ओपनिंग दे दी है हमने बीच में, तो उसका रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करोगे। अगर आपने रिटेनिंग वॉल यूज किया है और रिटेनिंग वॉल आपका हैवी है, तो उसमें आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करो, क्या केवल मेन बार से रेनफोर्समेंट, मेन बार पे रेनफोर्समेंट लगा के हम लोग सीवर बना सकते हैं क्या, कब बना सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें कर सकते हैं, अच्छा इसमें नहीं कर सकते। आपको शेयर वॉल में किस तरीके से डिटेलिंग करना है, शेयर वॉल में किस तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, इसको देखना पड़ेगा। चेयर्स का क्या काम होता है, एक दूसरे से मिलने से बचाते हैं ना, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चेयर्स से क्यों, लाइक हम लोग चेयर्स से सेफ्टी क्यों प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ स्ट्रक्चरल सिंबल्स जरूर पढ़ लेना आप, क्यों, क्योंकि आपको ड्रॉइंग मिलेगी पढ़ने के लिए। क्या होता है कि स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग आएगी उसको आपको पढ़ना पड़ता है, तो ड्रॉइंग को रीड कर सकता है। स्ट्रक्चर की ड्रॉइंग आप देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो जब वो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है तो उनको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। पढ़ना अगर आगे आपको, क्या होता है कि जो भी ब्रिटिश या इंडियन जो भी डिटेलिंग के जो जितने भी इंटरव्यू होंगे सब बोलते हैं ये ड्राइंग कर दिख करके दिखाओ, मीन्स ड्रॉ करके दिखाओ, मे बी वो ऑटोकैड पे करें। वैसे मैक्सिमम लोग आरसी डिटेलर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर आपको आरसी डिटेलर नहीं आता तो आप परेशान मत होइए कि आपको हायर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आरसी डिटेलर बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर ऑटोकैड के अंदर इंक्लूड होता है, तो वो आपको दो दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दे देंगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, BSA 666 2005 SP 34 आप अच्छे से पढ़ोगे तभी। अगर ये पता है आप फटाफट आराम से क्रैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरव्यू क्रैक करने में। सिर्फ डिटेलिंग के बारे में पढ़ो, फुटिंग में कटिंग लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, LD डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं बीम और कॉलम के बीच में, अच्छा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कितना करते हैं कॉलम और उसके बीच में बीम के बीच में, ये आपको सोचना है कि हम कितने का प्रोवाइड करते हैं। एक यही चीज आपको देखना है। स्लैब जो प्रोवाइड करते हैं, स्लैब में जो कैंटिलीवर स्लैब होती है उसमें रेनफोर्समेंट कैसा प्रोवाइड करते हैं, कैंटिलीवर बीम है तो उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब मैं सोचूं कि इस वीडियो में आपको सब बता दूं कैसे कैसे करना है, तो ये बड़े टॉपिक है, ये तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है आपको भी और साथ ही साथ YouTube के पॉलिसीज को भी। अगर आपको चाहिए कि आप किसी एक टॉपिक में या दो टॉपिक तीन टॉपिक आपके कंफ्यूजन में है कि सर ये क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने पूछा था तो उसी का मैंने एक वीडियो तैयार किया है, अगर आपको क्लियर ही नहीं हो रहा तो नीचे कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली उस पर आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी, जितना भी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। लेकिन आप कमेंट करो और क्वेश्चन को नहीं पूछते तो मुझे आइडिया नहीं लगता है कि सामने वाले को चाहिए क्या। आप किसी इंटरव्यू गए और वहां पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया आपको नहीं आया, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप नीचे कमेंट करो और मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता सकूं। अब आपको देखना है कि SP34 और VS कोड, अब लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 34 से तो सारा कुछ आता है, VS कोड से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ब्रदर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SP जो 34 है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, VS में भी सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, तो आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको आंसर करना है। जैसे आप इंडियन कोड के अकॉर्डिंग जानते हो वही उनको आंसर करो और वो उनको समझ आ जाएगा। अगर वो ब्रिटिश कोड उनको आपको नहीं समझ आ रहा तो उनको पता है कि इनको हम दे देंगे तो ये पढ़ लेंगे। अपग्रेड करने के लिए हर कोई कंपनी आपको मौका जरूर देती है। तो और सेकंड थिंग, आप ये तो चलो ये हो गया टेक्निकल चीज, आप समझ में आ गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो नॉन टेक्निकल थिंग जो हम लोग इंटरव्यू में फेस करते हैं, मीन्स हमने जो इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग भी थोड़ी सी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको ड्राफ्ट भी तो करना होता है चीजों को, तो उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं तो सामने वाला जो कैंडिडेट है उसको कितना नॉलेज है, हम उस पर उसको हायर नहीं करते, उसको हम हायर करते हैं उसका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड क्यों मायने रखता है, एटीट्यूड इसलिए मायने रखता है क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो लर्निंग के लिए, और अगर आप लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो कंपनी आपको हायर कर लेगी। क्यों, क्योंकि अगर वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी तो आप सीखोगे। बट कुछ लोगों का एटीट्यूड आप देख के लगता है आपको, उनको लगता है वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। आपको कैसा लगा ये डायलॉग नीचे कमेंट करिएगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या होता है, मीन्स मैं ही ब्रह्मा हूं, सारा नॉलेज जो है वो मुझे ही है, ऐसा ही लोग सोचते हैं। और ऐसा सोचने वालों को हम लोग
खास तौर से मैं तो कभी भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग लर्निंग को बिलीव नहीं करते, वो उनको क्या लगता है मैं सीख चुका हूँ जो भी सीखना था। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, कितना कुछ बचा हुआ अभी हम लोग सीखते हैं। अरे यार ये भी बचा है, अरे यार ये भी बचा है, इतनी चीजें हैं जो हमको नहीं आती है। तो हमको क्या दिखाना है उनके सामने, थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, इस पर बहुत फोकस करना। सेकेंड थिंग, थोड़ा सा आप हर एक आंसर को पॉजिटिव वे में लेके जाए। पॉजिटिव वे में लेके जाना मतलब कैसे होता है कि अगर आपने साइड पे काम किया, मैंने पीछे ही बताया, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे साइड में बहुत सारा हार्ड जॉब था तो मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए थी। आपको कभी भी हायर नहीं करेगा, लिख के ले लो। आपको बताना है कि मैंने साइड पे सर रियल एग्जांपल्स लिए हैं, सीखे हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से, और अब मैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ डिटेलिंग के कोर्स पढ़ के, डिटेलिंग के बारे में अच्छे तरीके से, क्योंकि शायद मैं अच्छे से देखा हूँ तो मैं अच्छे से उसको डिटेल कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आपको पॉजिटिव आंसर देना है, कोई भी चीज का पॉजिटिव आंसर। मैं आपको हायर क्यों करूँ, दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाई शुड आई हायर यू, यू कैन से सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट डिटेलिंग। क्यों? क्योंकि मुझे डिटेलिंग में ही करियर बना, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन डिटेलिंग, आई लाइक मोस्ट डिटेलिंग, मुझे रेनफोर्समेंट बहुत अच्छा लगता है। इसमें इसके थोड़े स्ट्रेंथ वगैरह बारे में पढ़ लेना, जो भी स्टील वगैरह होता है इसका रेनफोर्समेंट वगैरह का स्ट्रेंथ क्या होता है इसको पढ़ लेना। इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कवर वगैरह के बारे में, कवर वगैरह के बारे में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज रखोगे तो आपके लिए ये बेटर होगा। तो बस ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को मिक्स करना, और एक आप लेजेंड कैंडिडेट दिखो उनको, डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना यार, क्योंकि ऐसा मतलब इतना ज़्यादा फास्ट मैंने आपने बोला और मैंने बनाया, सबको पता है किसने किसने बोला, तो अब आपको उसको शेयर करना है इतने लोगों तक कि आपको लगना चाहिए। सिविल का एक चैनल यूट्यूब पे है जिसका नाम है यूनिक, तो है ही यूनिक क्योंकि उसका काम भी थोड़ा यूनिक है, मीन्स हट के है। यही कोशिश रहती है मेरी, जो भी मैं करूँ अपने लाइफ में, अपने करियर में और अपने यूट्यूब चैनल पर, सब कुछ यूनिक हो। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का जो कंटेंट है बहुत ही सॉलिड है, वो कंटेंट आपको जल्दी मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।